अच्छी हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को और भयानक सा है तो काश अगर अस्सलाम वालेकुम बहुत ज़्यादा लोग होते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफजल और मैं हूँ चाइना में। जो है वो मैं आया हूँ यहाँ पे जो थाईलैंड के रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे उनकी ट्राई करने के लिए, और थाईलैंड एक्चुअली जो थाईलैंड हॉट पॉट है उसकी ट्राई के लिए चाइना में। तो जो ये सिटी है यहाँ पे आज देखते हैं कि ये जो थाईलैंड का जो थाई हॉट पॉट है ये किस तरह से है और इसकी क्या किस तरह की चीज़ें हैं, इसका टेस्ट कैसा है। जो रेस्टोरेंट है इसका एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो चाइना है यहाँ पे कोरियन, थाईलैंड, इंडियन और इस तरह के ऑलमोस्ट हर किस्म के जो हैं वो आपको हॉटपॉट, स्पेशली हॉटपॉट जो है वो मस्त मिलेंगे। तो चंगडू में भी जो थाई हॉटपॉट हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, इनमें से एक ये है, इसका मैंने बहुत सुना था। और मैंने एक और जगह पे थाई जो है वो हॉटपॉट ट्राई किया था, अभी मैं इस जगह पे आया हूँ तो बड़ा लेवल का लग रहा है और स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। बाकी अब मैं खाता हूँ, बताता हूँ आपको टेस्ट वगैरह, और जब हम वेजिटेबल और इस तरह की सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट वगैरह जो है वो कैसा है। तो बने रही वीडियो के साथ, चले आगे चल के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है।那你们中国人都喜欢吃泰国火锅嘛，是吧？泰国火锅嘛，是吧？好好好，好的好好，谢谢谢谢。तो ये है जी थाईलैंड का थाई हॉटपॉट, थाईलैंड का हॉटपॉट। और आप देखोगे यार ये चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। यहाँ पे है जी ये है बीफ, इसके अलावा ये सारी वेजिटेबल्स हैं, ये हो गए जी जो टमाटर हैं, छल्ली, इसके अलावा ये भी वेजिटेबल्स। यहाँ पे हो गए जो सी फूड की है, ये हो गया जी फिश का मीट हो गया, फिश हो गई। इसके अलावा ये सारे हो गए सी फूड, और ये हो गए जी जो बिरयानी टाइप है इनकी, जो सी फूड बिरयानी है, सी फूड इसमें मिक्स करके तो उसको बनाया हुआ है। अब देखेंगे कि ये किस तरह से इसको बस इसमें डिप करना है तो ये जो है वो तैयार हो जाएगी। और यार कमाल की है, देखो वाह यार। अभी देखते हैं कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, पहले मैं ना बिरयानी का टेस्ट करता हूँ, इसका टेस्ट कैसा है। ये नारियल के अंदर ये जो है ना ये बनाई हुई है, इसलिए थोड़ी सी मीठी है। और ये जो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनको बस इसमें डिप करना है कुछ मिनट के लिए और उसके बाद खाते जाना है और ये बन जाएगा, फिट हो जाएगा। वाह यार, और ये जो दो हैं ये चटनियाँ हैं, ये भी चटनी है और ये भी चटनी है, ये चाइनीज़ है और ये थाईलैंड की जो है ना ये थाईलैंड की चटनी है। और ये जो है ये थाईलैंड का जो है वो थोड़ा सा जो शुअर टाइप इसका टेस्ट है, इसमें भी डिप करके इस चीज़ को इसमें डिप करके जब इसमें से डालने के बाद इसमें डिप करके खाते हैं इसके। ये सारा मीट है जी, वेजिटेबल्स, मीट और वाह जी वाह। देखते हैं अभी इसका टेस्ट कैसा है। ये इसके साथ ये जो है ये ज़्यादा ड्रिंक करते हैं जो लेमन है इसका वाटर, तभी देखते हैं इसका। ओ वाह, आप देखो यार इसमें चावलों में जो है ना, चावलों में ये जो है वो काजू भी डाला हुआ है यार, कमाल है। ओहो, और इनकी जो है ना जितने भी चाइना में जो थाईलैंड के जो हॉटपॉट हैं इनके एनवायरनमेंट और ये जो वेजिटेबल्स हैं इनके बनाने का तरीका बहुत ही लेवल का है। यानी कि इसको जो डेकोरेशन इसकी करते हैं और जो इसको प्रेजेंट करते हैं ये चीज़ों को, तो इनका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही लेवल की होती है। चलिए अभी टेस्ट इसका देखते हैं बाकी चीज़ों का कैसा है। मैंने जो आपको फ़िश बताई थी ना उसका अभी मैं टेस्ट करने लगा हूँ, तो इन्होंने बताया कि इसको जो है वो ये जो फिश है इसको ये हॉट पॉट जो है इसमें डिप भी नहीं करते, इसको बस इसी तरह से जो है वो खाते हैं।
नॉर्मल ही है टेस्ट इसका। इसको जो है वो इस तरह से हॉट पॉट के अंदर डिप करते हैं। अभी ये जो है जो मैंने आपको बताई थी ना ये चटनी, इसमें मैं डिप करके इस फिश को देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये जो चटनी है उन्होंने बनाई बड़े लेवल की हो जा रही है। ओ ये बड़े लेवल की है यार, ये अच्छी है चटनी, कमाल की है इनकी। और चावल अच्छे हैं इनके, बीफ भी अच्छा है इनका। जो बीफ है इसको बस इसमें ये इस तरह से जो है वो इसको करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो इसको डिप करते हैं। तो आप देखो इसका कलर अब कैसा हो गया, ये रेड से इसका कलर किस तरह का हो गया। ओहो हो वाह, तो ये अभी तैयार हो गया, बस इतनी जल्दी ये तैयार हो गया। अब जो मेरी फेवरेट चटनी है उसको अंदर मैं इसे डिप करूँगा और अब मैं इसका टेस्ट करूँगा। ओरिजिनली इस बीफ का कलर इस तरह से है और आपने देखा कितनी सेकंड्स में जो है इसका जो कलर है वो वाइट हो गया, इतनी देर में ये बस तैयार हो गया। अभी आपने देखना ये देखो यहाँ से थोड़ा सा वाइट हो गया, जहाँ पे ज़्यादा है ना, जहाँ पे ये जो है वो इसका ऊपर पानी ज़्यादा उबल रहा है वहाँ पे आप इसको रखें। ये देखो आप इसका कलर, और मेरी फेवरेट चटनी आ गई जी यहाँ पे, ये हो गई जी मेरी जो है वो फेवरेट चटनी। इसके अंदर हमने किया इसको डिप और अब मैं इसको करता हूँ ट्राई दोबारा। थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अगर बंदा खाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या ख्याल है आपका? बड़े लेवल का ही आ रही है इसमें जो है, काजू भी है ये जो है ना इसके अंदर जो है वो काजू भी है। इसके अलावा इसमें ये जो हॉट पॉट है ना इसके अंदर इन्होंने कोकोनट का जो ऑयल है ये डाल दिया। बेसिक जो डिफरेंस है थाईलैंड के हॉट पॉट में और चाइनीज़ हॉट पॉट में वो बेसिक डिफरेंस यही है कि चाइनीज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा डालते हैं और जो थाईलैंड का हॉट पॉट है ये कोकोनट का मिल्क और कोकोनट का पानी जो है वो इसमें डालते हैं। तो मुझे यार बड़ी भूख लगी हुई है, मैं लगाऊँ खाने। दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं आप प्लीज़ इनको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह आपको दुआओं अल्लाह आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। ये जो है ये भी फिश के मीट को इन्होंने जो है वो यानी कि उसको उसका कीमा टाइप बना के तो उसकी एक बोटी टाइप बनाई हुई है। इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। इसको जो है वो पानी में थोड़ा सा डिप कर लेना है जो बॉइलिंग हॉट पॉट है और इसको ऑलमोस्ट जो है 1 से 2 मिनट के लिए जिसको बॉयल कर लेना है। ये 1-2 मिनट के लिए पहले भी जो है इसको बॉयल कर लिया था। इसके बाद जो है ये इसको भूल गए हैं कि रखा है इसको, कहाँ पे था ये बातें कर रहे हैं कि यार
ये आगे जी बार्ड। ओ वाह, शेष ये जो है इस, इन्होंने पगे हैं दो, इनको इस इसने ये जो यहाँ पे वेटर्स हैं इन्होंने इसको इस तरह से बाहर निकाल के रख दिया जो सी फूड है। तो बड़ी हेल्प करते हैं यार ये, इस तरह के जो हॉटपॉट की शॉप्स हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये, यानी कि पकाने में, बॉयल करने में, इस तरह के सारे जो जितने भी काम हैं इनमें। अभी ये जो है सी फूड इसकी मैं ट्राई करने वाला हूँ, ये जो थाईलैंड का रेस्टोरेंट है, चटनी मैंने और मंगवा ली है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। चाइना में से जो भी ऐसी चीज़ है जिसका टेस्ट पाकिस्तानी इंडियन जैसा होता है ना, वो मैं दोबारा मंगवा लेता हूँ।